अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर रियल एस्टेट के YouTube चैनल से मैं हूं हाफिज़ फैज़ान अहमद। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए +92 320 168 1680। आज हम आपके साथ DHA लाहौर के करंट फाइल्स के जो रेट्स हैं वो शेयर करेंगे। आज डेट है 29 मार्च 2023। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे DHA लाहौर फेज 7 पाँच मल्ला कैटेगरी को अगर हम डिस्कस करें तो एफिडेविट जो है 50 लाख में, जबकि एलोकेशन जो है वो 47,50,000 में अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम 10 मल्ला कैटेगरी को डिस्कस करें तो 10 मल्ला में एफिडेविट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि एलोकेशन करंट मार्केट में 1,30,00,000 पे अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं एक कनाल कैटेगरी की, एलोकेशन जो है वो 2 करोड़ के अंदर अवेलेबल है, जबकि एफिडेविट की करंटली अवेलेबिलिटी नहीं है। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं DHA फेज 8 IVY ग्रीन। एफिडेविट जो है करंटली 5 मल्ला 60,50,000, जबकि एलोकेशन जो है वो 59 लाख में अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम 10 मल्ला कैटेगरी को देखें तो 10 मल्ला में सिर्फ एफिडेविट की अवेलेबिलिटी है, जो कि 1 करोड़ के अंदर अवेलेबल होती है। DHA फेज 8 IVY ग्रीन एक कनाल कैटेगरी को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें भी सिर्फ एफिडेविट की करंटली अवेलेबिलिटी है, जिसकी प्राइस है 1,75,00,000 रुपया। अब हम बात करते हैं DHA लाहौर फेज 9 प्रिज्म 5 मल्ला कैटेगरी को अगर हम देखें तो करंटली सिर्फ एलोकेशन की अवेलेबिलिटी है, जो कि 55,75,000 में अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं 10 मल्ला कैटेगरी की, तो 10 मल्ला कैटेगरी में भी करंटली सिर्फ एलोकेशन अवेलेबल है 1,05,00,000 में। अब हम बात करते हैं DHA फेज 9 प्रिज्म 1 कनाल कैटेगरी की, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एलोकेशन की अवेलेबिलिटी है करंटली, जो कि 1,75,00,000 में अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं फेज 9 प्रिज्म 4 मल्ला कमर्शियल कैटेगरी की, तो करंटली एफिडेविट की अवेलेबिलिटी है 2,77,00,000 में। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं DHA लाहौर फेज 10 की 5 मल्ला कैटेगरी को अगर हम देखें तो एफिडेविट करंटली 48,25,000, जबकि एलोकेशन जो है वो 48,00,000 में अवेलेबल है। 10 मल्ला कैटेगरी को अगर हम डिस्कस करें तो करंटली एफिडेविट जो है वो 62,50,000, जबकि एलोकेशन जो है वो 62,00,000 में अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं एक कनाल कैटेगरी की, एक कनाल की अगर हम बात करें तो एफिडेविट करंटली 1,12,00,000, जबकि एलोकेशन जो है वो 1,16,60,000 में अवेलेबल होती है। मूविंग ऑन, फेज 10 4 मल्ला कमर्शियल की अगर हम बात करें तो करंटली एफिडेविट जो है वो 1,77,00,000 में अवेलेबल होती है। DHA लाहौर फेज 13 की अगर हम बात करें तो 5 मल्ला एलोकेशन जो है वो 31,60,000 में करंटली मार्केट में अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं 10 मल्ला कैटेगरी की, 10 मल्ला कैटेगरी अगर हम देखें तो एलोकेशन करंटली 46,25,000 में जो है अवेलेबल होती है। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं एक कनाल कैटेगरी की, तो एक कनाल कैटेगरी करंटली एलोकेशन फाइल 77,00,000 में जो है अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं DHA फेज 9 टाउन की, तो करंटली एलोकेशन फाइल का बैलेट हो चुका है, तो करंटली सिर्फ एफिडेविट फाइल्स अवेलेबल हैं, 5 मल्ला 72,75,000 में अवेलेबल है। DHA फेज 9 टाउन 4 मल्ला कमर्शियल कैटेगरी अगर हम देखें तो एलोकेशन करंटली अवेलेबल है 2,80,00,000 में। अब हम बात करते हैं DHA रबर सेक्टर 4, करंटली सिर्फ 5 मल्ला की एलोकेशन फाइल्स अवेलेबल हैं, 49,50,000 में अवेलेबिलिटी होती है 5 मल्ला फाइल की। अब हम बात करते हैं DHA रबर सेक्टर 4 4 मल्ला कमर्शियल फाइल, तो इसमें एफिडेविट फाइल्स की अवेलेबिलिटी होती है 2,10,00,000 में जो है फाइल की प्राइस है। मार्केट ट्रेंड के हवाले से अगर हम डिस्कशन करें तो प्राइसेस में जो है वो हमें मज़ीद थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिला है। पिछले कोई एक लास्ट वीक से प्राइसेस ग्रेजुअली हमें डिक्रीज़ होती मिली हैं, जिसकी मेन रीज़न आपके सामने जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक जो ओवरऑल जो मार्केट में स्लंप आया हुआ है उसकी वजह से हमें DHA की लाहौर की जो फाइल्स हैं उसमें भी जो है वो हमें थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिल रहा है। मार्केट में बेसिकली सेलर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, बायर उस हिसाब से नहीं है, तो मेन प्राइस का जो अप्स एंड डाउन चल रही होती है वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि मार्केट में सेलर बायर की अवेलेबिलिटी किस हिसाब से है। तो करंटली सेलर ज़्यादा है, बायर उस हिसाब से नहीं है, तो जिसकी वजह से मार्केट जो है वो हमें नीचे आती नज़र आ रही है। लेकिन जो लोग जो इंटरेस्टेड हैं हम लोग उनको हाईली रिकमेंड करेंगे कि इन लोअर एंड प्राइसेस के ऊपर जो है आप बाइंग करें, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग कर सकें,
कमर्शियल में डी एच एल हॉर फेस 10 चार मल्ला कैटेगरी बहुत हॉट कैटेगरी है, उसको लाजमी कंसिडर करें। कोई बहुत मिनिमल ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हैं। रेजिडेंशियल की अगर हम बात करें तो डी एच एल हॉर फेस 13 को आप कंसिडर कर सकते हैं। फेज़ 9 टाउन का भी रिसेंटली बैलेट हुआ है, उसके बाद अभी जो है एफिडेविट फाइल्स हैं उनमें आप परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि पार्सल बैलेट्स इन फाइल्स के होते रहते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। फर्दर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा अपना नंबर रिपीट कर रहा हूँ, +92 320 168 1680। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।